Let's have a Ranbir Kapoor, ladies and gentlemen. All right, Ranbir, हम लोग अभी बस कुछ टाइम पहले यही बात कर रहे थे कि फूड कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्ती के बीच में. हाँ, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जैसे हम पहले से जानते हैं कि जिंदगी में दोस्तों के बगैर कोई मौज नहीं है. तो खाने में भी पेप्सी के बगैर कुछ मौज नहीं है. बिल्कुल, कुछ भी खाना हो, बट अ चिल्ड ग्लास ऑफ पेप्सी विल जस्ट डू द ट्रिक. ऑलराइट, एंड रणबीर को मैं जब भी देखता हूँ, मैं कितने भी पोजेस मार लूँ हैंडसम दिखने के लिए, मैं इनके सामने बिलो एवरेज दिखता हूँ. सो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा आज. बट यहाँ पर रणबीर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि when you are out with friends and जब आप एक particular strict diet follow नहीं कर रहे होते हो and you are going all blast, तो what is that one particular street food which is your favorite? देखो, मैं बचपन से मुंबई में पला बड़ा हूँ. तो मैंने पेंड्रा में जो यहाँ डोसा मिलता है, पालियल पे जो सेव पूरी मिलती है, वो हॉस्पिटल है ना जू में, उसके बाहर जो अंडा पाव मिलता है, वहाँ से लेके फिर मैं एचआर कॉलेज गया था. कॉलेज के बाहर आपको चीज़ सादा डोसा मिलता है, चाइनीज खाना मिलता है, okay. जो वेजिटेरियन सैंडविचेस मिलते हैं. तो आई थिंक जो जो आपकी रूह को जो एक 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 हक देती है, आई थिंक वो खाना ही देती है. आई थिंक मुंबई स्ट्रीट फूड से बेहतर कुछ नहीं है जिंदगी में. ऑलराइट, एंड इनफैक्ट सिर्फ मुंबई नहीं, आप, मैं दिल्ली के पराठे वाली गली में गया था एंड वहां पर भी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आपकी तस्वीर है. रॉकस्टार के टाइम आप वहां पर जाके भी पराठे खाते हैं. सो नॉट जस्ट मुंबई बट ऑल अक्रॉस इंडिया यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, राइट? देखो, मैंने बहुत सुना है कि दिल्ली का खाना मुंबई से बेटर है, दिल्ली का खाना मुंबई से बेटर है. तो ऐसा मतलब अच्छा होता है ना कि आप दिल्ली जाए और देखे कि उनका खाना का टेस्ट कैसा है, यू नो व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ फूड देयर. जहां भी घूमा हूं, आई एम कनेक्टेड टू द फूड ऑफ माय ओन सिटी, ऑलराइट, मुंबई. सो आई विल ऑलवेज बी अ मुंबई स्ट्रीट फूड फैन. ऑलराइट, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्यों सूखे सूखे ही. एंड ऋषि आपको थोड़ा सा और बताएंगे कि एग्जैक्टली ये यहाँ पर कैंपेन के पीछे आइडिया क्या है. एंड वी आर गोना डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट आफ्टर अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ऋषि. So I think Ranbir knows the campaign really, really well, Rohit. I think the basic campaign वही है कि life में ये occasions दोस्ती के जो है ना, वो सूखे सूखे हैं, बिना Pepsi के और बिना खाने के. तो जैसे दोस्त life के लिए दोस्त जरूरी है, वैसे खाने के लिए Pepsi जरूरी है. All right, and इस समय जनता के लिए entertainment जरूरी है. And इसलिए Ranbir, before the show started, I went to a few people and they were like, yeah, food से related है ना, Ranbir के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं. तो आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में अभी क्या सूखा सूखा है एकदम? सूखा सूखा, हाँ. मैं अभी फिलहाल एक फिल्म कर रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, तो उसके लिए मैं थोड़े डाइट में हूँ. हाँ. तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाता, मतलब चावल या रोटी नहीं खाता, हाँ. तो थोड़ा सूखा सूखा महसूस करता हूँ. हाँ. तो अभी फिलहाल वही मेरे लाइफ में सूखा सूखा है कि मुझे चावल और रोटी खाने का मौका नहीं मिल रहा. ऑलराइट, एंड एक रोमांटिक डेट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ का मेन्यू, वहाँ का जो फूड का सिलेक्शन होता है, वो आपके दोस्तों के साथ जब जाते हैं उससे कैसे डिफरेंट होता है? आई थिंक खाना कुछ भी हो, यू नो, एक जो एक फ्रेंड्स के साथ एक जो कंपेनियनशिप होती है, सबकी एक चॉइस होती है, सबकी एक फेवरेट क्यूजीन होती है. बट इवेंचुअली व्हेन यू लैंड अप समवेयर टू ईट, इट्स द कंपनी, यू नो, एंड ऑफ कोर्स अ चिल्ड बॉटल ऑफ पेप्सी टू गो विद इट. एंड टॉकिंग अबाउट कंपनी, द कपूर फैमिली इज नोन फॉर द लव फॉर फूड. एंड जब आप लोग एक साथ जब मिलते हैं, जब पूरा कपूर खानदान एक साथ जब मिलता है, व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर डिश जो होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए ये तो जरूर हो जाए? आई थिंक दो चीजें, एक बैंगन का भरता है एंड जंगली मटन, जो आई थिंक सिर्फ लाल मिर्च और घी में बनता है. आई थिंक बोथ ऑफ दीज आर क्वाइट अ फेवरेट ऑफ माय फैमिली. ऑलराइट, तो ऋषि, अब रणबीर भी यहाँ पर आ गए हैं, माहौल भी काफी गर्म हो गया है. तो एक फूडिकॉन करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं एंड वील जस्ट लॉन्च दैट. तो एवरी ईयर फॉर द लास्ट 3 इयर्स our campaigns have been celebrated on our bottle. For example, 2016 mein the emoji campaign was brought alive by the emoji bottle. Okay. And last year we had a moments campaign which again got alive through words on our bottle. So this year we thought that how do we make it bigger? So humne actually India ke 25 sabse popular food items ko apne bottle mein dala. Okay. And we're calling these new bottles the foodicon bottles. All right. So why don't we just launch that? Why didn't we just launch that? Yeah, Ranbir, आप आ ही गए हैं तो क्या करूं मैं? इसको टर्न करना है. एंड दस वी आर लॉन्चिंग फूडिकॉन.
एंड रणबीर यू कैन सी कि बहुत चीजी बातें हो रही हैं यहाँ पर, वड़ी वड़ी बातें हो रही हैं, तो वड़ा पाव के साथ कुछ वड़ा करेंगे, चीजी चीज पिज्जा के साथ. तो कुछ कहना चाहेंगे इस फूडिकॉन के बारे में? वेल आई थिंक इट्स अ फन कॉन्सेप्ट. यू नो पेप्सी ऑलवेज एक एंगेजिंग फॉर्मेट लाती है, जो भी उनकी एक फिलॉसफी होती है बिहाइंड. इस बार क्योंकि क्यों सूखे सूखे ही, इट्स ऑलवेज फन, इट्स ऑलवेज एंगेजिंग, इट्स ऑलवेज यूथफुल एंड इट्स ऑलवेज ईजी. ऐसा कुछ डीप लेयर या मीनिंग नहीं होता. इट्स अबाउट हैविंग फन इन लाइफ, इट्स अबाउट बींग रियल, बींग विद फ्रेंड्स एंड स्टेइंग हैप्पी. And I think this is also a part of that same nature. Of course, you know, there are various contests you can win, the various offers that also come from the bottles. So I'm excited. All right. Ladies and gentlemen, Ranbir Kapoor. And thank you so much to all our friends from the media. And you'll see, soon see the Foodicons stores near you. Thank you so much. Thank you so much, guys, that you guys came here. I hope Pepsi is feeding you with some good drinks and some food. But good seeing you guys, and we'll hopefully see you very often. Thank you. Thank you so much, guys.